नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव के खास प्रोग्राम बैठक में स्वागत है। बैठक के जरिए हर सप्ताह हम जनता से रूबरू होते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। आज भी हम मौजूद हैं शहादरा के अनाज मंडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। हर चीज के दाम आसमान छू रहे। जी हाँ, आज हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि कितना ज़्यादा अभी तक तो सब्जियों से टमाटर गायब हुआ था, जिसमें 100 रुपये की जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। 100 रुपये से 120 रुपये किलो में मिल रहा है टमाटर। वहीं अगर हम बात की जाए दाल की, तो दाल भी 150 रुपये के आस पास पहुँच चुकी है। और वहीं अगर अब देखा जाए जीरा, तो जीरा भी आसमान छू रहा। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे जनता से। उससे पहले आप देखिए छोटी सी रिपोर्ट। महंगाई से आम जनता परेशान, हर चीज के बढ़ रहे हैं दाम, खाने की थाली पर पड़ रहा असर, टमाटर हुआ और भी लाल। महंगाई की हालत ऐसी है कि हरी सब्जियों से लेकर दाल, मसाले, जीरा सब महंगा हो गया है। महंगाई ने किचन से खाने पीने की चीजें गायब कर दी हैं। टमाटर हो या फिर मसाले, सबके रेट जेब को खाली करने का काम कर रहे हैं। महंगाई की हालत ऐसी हो गई है कि पहले सब्जियों से टमाटर गायब हो गया, तो अब बिना छोंके वाली दाल खाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जीरे के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जीरे की कीमत की तुलना अगर ड्राई फ्रूट से करें तो ये काजू बादाम से महंगा बिक रहा है। जीरा पिछले एक हफ्ते में चढ़कर 700 से 900 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। जो जीरा अब तक 150 से 200 रुपये किलो बिक रहा था, पिछले एक हफ्ते में वो बढ़कर 700 से 900 रुपये किलोग्राम पर पहुंच गया है। वहीं बात की जाए सब्जियों के दामों की, तो जानते हैं कि आखिर पहले और अब सब्जियों के दामों में कितना अंतर है। टमाटर, एक हफ्ते पहले जहां टमाटर 20 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, वहां मौजूदा कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। तोरई, एक हफ्ते पहले तोरई 10 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही थी और उसकी अब मौजूदा कीमत 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। धनिया, जहां पहले 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा था, वहीं अब इसकी मौजूदा कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। अदरक, जहां पहले 120 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही थी, वहीं इसकी मौजूदा कीमत 180 रुपये प्रति किलोग्राम है। लहसुन, जहां पहले 50 से 60 रुपये किलोग्राम बिक रहा था, वहीं इसकी मौजूदा कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। हरी मिर्च, जहां पहले 10 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही थी, वहीं अब इसकी मौजूदा कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। अरबी, जहां पहले 23 से 24 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही थी, वहीं इसकी मौजूदा कीमत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज, जहां पहले 5 से 7 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही थी, वहीं इसकी मौजूदा कीमत 12 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। नींबू, जहां पहले 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, वहीं अब इसकी मौजूदा कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। महंगाई से आम जनता की हालत त्रस्त है। जनता का कहना है सैलरी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, वहीं महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या खाएं, क्या बचाएं? सीसीएन लाइव की खास रिपोर्ट। तो अब बढ़ते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा कि हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। तो अभी हम अनाज मंडी में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जानेंगे सारी कि क्या क्या अनाज के दाम किस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सभी चीज़ों के दाम, कि दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि गेहूं की, तो 32 रुपये में मिल रहा, और अगर हम काबली चना की बात करें तो 120 रुपये में मिल रहा। अगर हम राजमा लाल की बात करें तो 155 रुपये में मिल रहा है, और अगर राजमा चित्रा की बात करें तो 145, दाल चना 74 रुपये में मिल रही। उड़द और साबुत की दाल अगर हम बात करें तो 115 रुपये, उड़द दाल 115, उड़द धुली हुई 130। जितने भी दालों के दाम आप देख सकते हैं 100 से ऊपर है। और अगर मूंग दाल साबुत की बात करें तो 110 रुपये, और साथ ही अगर हम बात करें दाल अरहर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं साफ तौर पर 156 रुपये की दाल यहां पर मिल रही है। अगर हम मार्केट में देखें तो 150 से 160 रुपये किलो में मिल रही है, जो कि आम जनता पर काफ़ी भार जो है दाल का वो पड़ रहा है। और आप इसमें से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दाम है वो दाल अरहर की दाल की है, जो कि 156 रुपये की मार्केट में उपलब्ध है। और अगर मटर दाल की बात करें तो 80 रुपये में है। एक यही दाल है जो कम रेट पर उपलब्ध है। क्या कुछ महंगा हो गया ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब हम जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। सर, आप क्या खरीदारी करने आए? ये नेसेसरी चीज़ें जो घर की बेसिक चीज़ होती है, घर की दाल है, दाल चावल आटा, ये जो बेसिक चीज़ होती है वो खरीदने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। अच्छा, आपसे हम अगर बात करें अरहर की दाल की, तो अरहर की दाल अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले जब आप खरीदते थे तो कितने की पड़ती थी और अभी कितनी महंगाई है? ये समझिए कि लगभग डबल रेट हो गया है तब से लेके अब तक, डबल या ट्रिपल, कोई ट्रिपल रेट है कोई डबल रेट है, इस तरह से दालों के रेट काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं।
साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें महंगी लग रही हैं, क्योंकि अब घर का खर्चा तो चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल तो हो गया है क्योंकि आप महंगाई रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोगों की इनकम वहीं की वहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। महंगाई तो ऐसे हो जा रही है जैसे कि सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही। चीनी भी, आटा भी, दाल भी, जो भी है, तेल भी, वो सब महंगा ही है। जैसा कि आप पहले खरीदारी करते थे, तो उसमें और अब में क्या अंतर आया? उसमें बढ़ा दिया गया है। अगर अरहर की दाल की बात करें तो आपको कितने की मिल रही है? पहले सस्ती थी, अब महंगी है, लेकिन जो है किराया वही है जो पहले था। और सरकार जो है ना, तो गरीबों को जो है जो नौकरी करने जा रहे हैं ना, उनकी तनख्वाह बढ़ा रही है, और जो है जाने वाले भी पैसे तनख्वाह उसी हिसाब से दे रहे हैं, और काम में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और हमारे जो ये रोजी रोजगार है, हम इसी से पेट पर चला रहे हैं। तो अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। अरहर की दाल की अगर बात करें तो मार्केट में 150 से 160 रुपए के बीच में मिल रहा। लेकिन अगर हम जीरा की बात करें तो जीरा के क्या कुछ दाम है और लोगों पर क्या असर पड़ रहा? आपको महंगाई जो अभी लगातार बढ़ रही है, अरहर की दाल भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, ऐसा दाल तो महंगी हुई है, आप ये देखो ना, टमाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टमाटर इतना सब्जी में नहीं डलता, उसके बिना सब्जी चल जाती है, लेकिन जीरे के बिना नहीं चलती। जीरा 700 रुपए के भाव है आज की डेट में, तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? मालिया, मैं एक मीडियम आदमी हूँ, सर्विस करता हूँ, तो जीरा तो मुझे भी डालना पड़ता है ना सब्जी के अंदर। बाकी टमाटर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, टमाटर 2 दिन बाद सस्ते हो जाएंगे, जीरा तो सस्ता। मिर्च आप देख लो, 600 रुपए किलो चल रही है मिर्च को आप। ये चीज़ें गरीब आदमी के लिए ज़रूरी है सब्जी पर डालनी। जैसे कि अगर हम बात करें दाल की, तो दाल की कीमत जो है वो आसमान छू रही है, क्योंकि अभी 100 रुपए के आसपास जो है दाल, सभी दालें जो हैं वो 100 रुपए के पार हैं। अगर हम बात करें अरहर की दाल की, तो हर आम आदमी अरहर की दाल खरीदता है, लेकिन उसके जो दाम है वो 160 रुपए पहुंच चुके हैं, या फिर 170 रुपए में दाल में कहीं कहीं मिल रही है, तो उस पर क्या कहना है? उसमें कहना क्या, इनको रेट थोड़ा डाउन हो जाए। सबसे दाल फेमस अरहर की होती है, बाकी दाल तो आदमी कम खाता है, अरहर की दाल राजाओं में राजा है। तो आप बताइए कि टमाटर के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? टमाटर अभी 30 से एकदम 80 100 पहुंच गया, उसकी तो हद ही है, क्या खाएंगे और क्या लेंगे ये बताइए आप। और हम तो सब्जियों के बारे में कह नहीं सकते, कभी उस भिंडी के रेट, आलू के रेट, और ये देख लो तुम्हारा अरबी के रेट 80 रुपए किलो के, 40 रुपए किलो, तो सोच समझ के लेना पड़ेगा, टमाटर के तो लेना ही भूल जाइए। और आपको ये भी बताएं, आप बताइएगा कि अरहर की दाल जो है वो लगातार महंगी होती जा रही है। हो रही है, दालों के रेट तो पूछो ही मत, जब भी आओ मार्केट में दालों के रेट बढ़े हुए मिलते हैं। ये तो है ना, बस लेने पड़ते हैं सोच समझ के कि क्या ले क्या ना ले। बस महंगाई को देख देख के ये लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, ये महंगाई तो आसमान छू रही है, ये क्यों बढ़ रही है समझ नहीं आ रहा। टमाटर दाल की बात तो हो गई, लेकिन दाल में छौंका लगाने के लिए हम जीरा का उपयोग करते हैं। जीरा बहुत महंगा जा रहा है, जीरे के तो पूछो ही मत, 70-80 से जीरा 300-350 पहुंच गया, तो बहुत रेट है। क्यों हो रहे हैं, महंगाई क्यों जा रही है, गरीब आदमी कैसे खाएगा और क्या करेगा ये बताइए। तो आप कैसे मैनेज कर रही है अपने घर को? मैनेज कैसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं और फिर सोचते हैं बाद में ले लेंगे, घर चलाना है तो थोड़ा थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। बस यही कहेंगे सरकार से, यही मांग है कि आम आदमियों की तरफ देखिए, और जेब पे असर पड़ रहा है तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने सुना कि हर किसी के जेब पर असर पड़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनता की मांग है कि सरकार थोड़ी सी महंगाई को कम करे। आगे भी बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ असर पड़ रहा है। मैम, महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, हालांकि जो है पहले से चीज़ों के रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। जो चीज़ें एक महीने पहले कुछ चीज़ की थी, रेट की थी, अब उनके रेट 4-5 रुपए ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, और हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जाएगी। और अभी आप क्या खरीदारी करने आई हैं वैसे? अभी तो जैसे घर के लिए पोहा, बेसन, ये सब चीज़ें जो घर की डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, वही सब चीज़ें खरीद रहे हैं। इसमें कुछ आपको बढ़ोतरी नज़र आई आपको जो आप पोहा के लिए खरीदने आई हैं और साथ ही? हाँ, पीछे जैसे 50 रुपए किलो था, अब 55 रुपए किलो रेट है, अभी किसी शॉप पे मैंने 60 भी सुना था, तो रेट तो दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं। और अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो उस पर आपको क्या कहना है? जैसे आज 100 रुपए किलो है, मंडी में ही 100 रुपए किलो है, तो डेली जो गली में बेचते हैं उनका तो क्या हाल होगा। और अगर बात की जाए जीरा की, तो अभी आपको सुनने में आया है कि जीरा भी बढ़ोतरी हो गई है। और अगर बात की जाए अरहर की दाल की, तो अरहर की दाल 160 सभी चीज़ों के बढ़ रहे हैं,
मतलब दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं, और ये दिवाली तक तो मुझे लगता है ऐसे रेट दिन पर दिन बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि त्योहारों के सीजन शुरू हो जाएंगे सावन से, तो ये बढ़ते ही रहेंगे। लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर 100 रुपये किलो पहुँच चुका है, तो उस पर आपका क्या कहना है, कैसे आप घर को मैनेज करते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज टमाटर तो आप जानते हैं कि बेसिक नेसेसिटी है, तो बिकॉज हर एक ग्रेवी में टमाटर यूज़ होता है, क्योंकि अगर वही एक बेसिक फूड आइटम में प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमें तो डिफ़िकल्ट रहेगा ही। और अगर बात की जाए दालों की, तो दाल भी लगातार महंगी हो जा रही है, वैसे आप क्या ख़रीदारी करने आए हैं? मैं दाल ही लेने आई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली जो मेरे घर के पास मार्केट है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सस्ता में मिल जाता है। कितना मतलब सस्ता मिला आपको यहाँ पर? 10-20 रुपये का फ़र्क होता है। अच्छा, जो अभी आपने ख़रीदारी की वो कितने मतलब कितने का मिला है वो? अभी अरहर की दाल जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल है, वो 120 रुपये मेरे घर के पास है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ में मिल जाती है। नहीं देखो, बारिश के टाइम में ना वेजिटेबल महंगी होती हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब टमाटर मतलब हमेशा ही होते हैं, वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा प्राइसिंग के अंदर, बट अभी सब्जी सही थी, सही रेटों में थी, बट बारिश हो रही है तो इसलिए टमाटर महंगे हैं। अगर हम दाल की बात करें तो दाल की जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है। अगर बात की जाए अरहर की तो 160 रुपये किलो में मिल रही है, इस पर आपका कैसे आप घर को मैनेज करते हैं? ठीक है, मैं तो यहाँ से हमेशा यहीं से लेती हूँ और मुझे रेट बहुत बढ़िया लगते हैं यहाँ से, मुझे कोई महंगी नहीं लगती यहाँ से। और अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर तो सब्जियों में हर घरों में यूज़ होता है, तो उस पर क्या कहना है? टमाटर तो बहुत महंगे हैं। कितने में मिल रहा है? जो 20 रुपए किलो या 100-150 रुपए किलो टमाटर हैं। तो कैसे मैनेज कर रही हो आप घर? खा ही नहीं रहे हम तो। अच्छा, और क्या क्या करें फिर, नहीं खा रहे। ये लगा लो, ये तो कहाँ 20 और कहाँ 120, और गोभी 15-20 किलो गोभी थी, आज 100 रुपये किलो गोभी हो गई है, भिंडी थी 40 से भिंडी थी 80 रुपये भिंडी, महंगाई तो बहुत, सब्जी बहुत बढ़ गई, महंगाई है कुल मिलाकर, महंगाई महंगाई है। और अगर हम दाल की बात करें तो दाल के दाम भी 160 रुपये में अरहर की दाल मिल रही है, दाल भी बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है जी, कोई कम नहीं है। तो घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आप क्या चाहना? जो चीज़ लगती है सही ले लेते हैं, जो महंगी वो छोड़ नहीं लेते। गरम मसाला हुआ, जीरा वगैरह हुआ, लेकिन सब चीज़ों में ही महंगा है। अच्छा, सब चीज़ें महंगी है, सब चीज़ें महंगी है। और अगर दाल की बात की जाए तो दाल 160 रुपये में मिल रही है बाहर, पहले से 4 गुना भाव है, जबकि मैं बता रहा हूँ। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ महंगाई के ऊपर। महंगी है हर चीज़ यहाँ, इंसान की कीमत सस्ती है, ये सत्ताधारी दल का शासन या शैतानों की बस्ती है। तारों से भी अधिक आंकड़े छपते हैं अखबारों में, लगे योजनाओं के पोस्टर गलियां और बाजारों में, वही हकीकत फुटपाथों पर नंगी खड़ी सी सकती है, महंगी है हर चीज़ यहाँ, इंसान की कीमत सस्ती है। आपने बहुत अच्छी कविता कही। फिलहाल आपने सरकार का वहाँ पे किया, तो आपको क्या कहना है कि सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ा रही है उस पर आप क्या चाहते हैं? मैडम, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ में रोजगार भी बढ़ाए, जब रोजगार बढ़ेंगे आमदनी होगी तो इस महंगाई का इतना सड़ने लगी। जब बेरोजगारी है, एमटेक करके बच्चा 18,000 की नौकरी कर रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है, तो क्या होगा, महंगाई तो और ज़्यादा महसूस होगी ना। तो वैसे अगर हम बात करें टमाटर की, तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो टमाटर है। टमाटर है, तो टमाटर की खरीदारी में कैसे मैनेज कर रहे हैं हम? कैसे अगर ने खाना ही कम कर दिया, जहाँ पहले 1 किलो लगता था अब 100 ग्राम लेते हैं, 25 दिन पहले तक 15 रुपये किलो 20 रुपये किलो मिल रहा था, जो पुराने जो इनके मेन स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने इकट्ठा कर लिया, वो अब उसे महंगे बाहर पर भेज रहे हैं। टमाटर देखो 120 से 150 रुपए के पार पहुंच गया टमाटर, तो कैसे मैनेज कर रही हैं अब? कैसे करें, टमाटर खाना छोड़ दिए और क्या। अब देखो दाल के दाम कितने लगाए हैं, 130 रुपए दिखाइएगा इधर, 130 रुपए, जैसे 130 रुपए दाल के दाम है, चने के दाल, अब बताइए क्या होगा इसमें। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने घर को? अब कैसे कर रहे हैं, गुजारा तो करना है, नमक रोटी खा के, सूखी रोटी खा के, दाल रोटी खा के, समय पर तो गुजारा करना ही है। कितनी महंगाई बढ़ गई है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, टमाटर जो है 10-20 रुपये ले के आता रहा, अब 120 रुपये किलो टमाटर लाना पड़ता है, गृहस्थ में चलाना मुश्किल हो रहा है, बुजुर्ग आदमी ना मेरी पेंशन है ना कुछ है, गुजारा बड़ी मुश्किल से किया जाता है। और अगर बात करें हम टमाटर की, तो बात हो गई, अगर हम दाल की बात करें तो 150 रुपये में दाल। हाँ, दाल भी 110 रुपये किलो ली थी हर की, अब 160 रुपये किलो दे रहे हैं, और वो भी महंगाई है, कहाँ से गुजारा करेगा, पहले हम 250 ग्राम बनाते थे, अब 50 ग्राम बनानी पड़ती है, 100 ग्राम बनानी पड़ती है, गुजारा करना है, फैमिली है छोटी सी, क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा, किराए का मकान, किराए की दुकानें सब। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई, ये महंगाई को रुकना चाहिए ना, ये इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से महंगाई आ रही है, तेल थे, तेल में भी बहुत बढ़ोतरी हो गई, पहले कुछ डाउन से हुआ था, अब फिर दोबारा वो भी हो गया, तेज हो गया, क्या कैसे गुजारा होगा, मतलब गुजारा तो करना ही है ना।
तेलों की पोजीशन ये है कि जो पहले 200 रुपए का 190 रुपए का तेल की बोतल थी वो आज की तारीख में 130 रुपए की है। तेलों का इतना मंदा, ऐसे ही रिफाइंड है, जो रिफाइंड 190 180 रुपए के थे वो 100 रुपए का रिफाइंड आ गए। रिफाइंड में मंदा है, तेलों में मंदा है। और बाज़ार में यदि हम कलोनी वगैरह में कहीं से खरीदते हैं तो प्रिंट रेट पर मिलता है वहाँ। जैसे कि अधिकतर अगर हम दूसरी जगह दुकानों में जाएं तो दुकानों में प्रिंट रेट पे मिल रहा है, जैसे 200 210 225 रुपए का तेल मिल रहा है, लेकिन आपके पास जो तेल की कीमत है वो 130 रुपए की बोतल है और खुला तेल 140 रुपए किलो है। तो मतलब अभी तेल में लोगों को भी राहत है लेकिन ग्राहक नहीं है, ग्राहक तेल अभी सोचता है और मंद आएगा। अच्छा, मतलब ग्राहक अभी खरीददारी नहीं कर रहे तेल की, कि उनको लगता है कि बहुत ही और मंद आएगा, तेल भी रिफाइंड भी इनमें सब में मंद है। तो आपको कब तक लगता है कि लगातार महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से क्या तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन अभी तो बहुत मंदे हैं सब तेल, ये तेल और रिफाइंड और तुम्हारा देसी घी में बहुत मंदा है। देसी घी बेचता हूँ मैं, ओलिव ऑयल बेचता हूँ, ओलिव ऑयल वगैरह में सब में काफ़ी मंदा है, लेकिन जो है बाज़ार में ग्राहक नहीं है, वो सोचता है कि और मंदा आएगा, इस हमारा ग्राहक खरीद नहीं रहा। पीली सरसों का भी मंदा है, लेकिन जो काली सरसों में मंदा है वो पीली सरसों में उतना नहीं है। जो पीली सरसों की बोतल 225 की थी वो आज 180 रुपए की है, उसमें 40 रुपए काली सरसों बताया ना, 190 रुपए वाली बोतल 130 रुपए की हो गई है। मूंगफली का तेल 200 रुपए का बोतल है, वो रिफाइंड जो है वो 180 रुपए का 90 रुपए का था वो 105 रुपए का आज कम लीटर ही आते हैं ये सब, किलो नहीं आते, तीन आते हैं इनके किलो में, उनका भी भारी मंदा है। जो 2800-2900 रुपये का टीन था वो आज की तारीख में 2000 रुपये का टीन है, सरसों का तेल का भी रिफाइंड का भी, इनका काफ़ी मंदा है तेलों में। आप देख सकते हैं राजमा जो है ये चित्रा राजमा है जो कि 160 रुपए का है। अगर हम काली मसूर की बात करें तो काली मसूर के जो दाम है वो 100 रुपए और 110 रुपए की मिल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली जो दाल है वो भी 85 रुपए और 90 रुपए में उपलब्ध है। ऐसे में हम दुकानदारों से बात करते हैं, सर कितने ग्राहक आ रहे हैं अभी? ग्राहक की तो बहुत मंदी है, ग्राहक है ही नहीं। अगर हम बात करें महंगाई की तो लगातार कितना उछाल आया है दालों में? 40 रुपये 45-50 रुपये किलो की तेजी है, अरहर की दाल बहुत तेज है, 160 रुपये किलो, पहले थी 100-110। और अगर राजमा की बात करें? राजमा 160, छोले बहुत ज़्यादा तेज हैं, 125 रुपये किलो। और अगर तेल की बात करें तो? तेल में तो नीचे डाउन आया था, अब थोड़ा बहुत प्लस है, ज़्यादा कोई खास विशेष वो नहीं है, मगर ग्राहक नहीं है। और आटा? आटा भी महंगा है, 32 रुपये 30 रुपये किलो आटा है, आटा भी महंगा है। और ग्राहकों का क्या कहना होता है अगर ग्राहक आते हैं तो? ग्राहक कंफ्यूज है, पहले मंदा होता है फिर इतनी तेजी में, आदमी जो एक किलो लेना है वो 250 ग्राम ले रहा है, जरूरत के लिए तो इंसान को लेना ही है, ग्राहक नहीं है, ग्राहक भी कम है बहुत। तो कुल मिलाकर महंगाई बहुत है। टमाटर महंगा हो गया वाकई में, गरीब आदमी के बाहर से बाहर हो गया है, टमाटर को मंदा कर दिया जाए, बस ये सरकार से हमारी विनती है। और दाल की अगर बात करें तो दाल तो देखो, दाल के बिगड़ एक बार को दाल, अगर आप 100 ग्राम दाल भी लेते हो पूरा घर खा लेता है, इतनी वो इशू नहीं है जितना टमाटर। टमाटर हर चीज़ में चाहिए, नॉन वेज में भी चाहिए, वेज में भी चाहिए, हर चीज़। जीरा की बात करें तो जीरा के दाम? जीरा भी बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी की जेब से, दुकानदारों जीरा तो दुकानदारों की दुकान से गायब हो चुका है, जो छोटे मोटे दुकानदार थे उन्होंने जीरा रखना बंद कर दिया है, बड़ी बड़ी दुकानों पर जीरा है इस टाइम, छोटी दुकानों पे नहीं है। टमाटर पहले 80 थे, पहले 50, फिर 60, 10 रुपये डेली बढ़ते बढ़ते 120 पे पहुंच गया है। बताओ कैसे मैनेज कर रहे बिना टमाटर के? कैसे भी नहीं, अमचूर खा रहे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा, और हम चूर नींबू छोड़ो, आधा नींबू छापन छोड़ सो जी, मैं क्या करें। टमाटर तो हो गए हैं बहुत महंगे हो गए, टमाटर दाल भी महंगी हो गई है, अब क्या करें, खाना पड़ता है। कैसे घर मैनेज कर रही हैं? अब करना पड़ता है, मैरिज तो करना ही पड़ता है, कैसे तैसे कर लेते। सर किस किस चीज़ के जो रेट हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं? अरहर की दाल का रेट अभी राइज हुआ है थोड़ा सा, लेकिन किसी में कम तो हो जाता है, किसी में बढ़ जाता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ बड़ा है, थोड़ा सा कम कर लेंगे चलेगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा वो। और अगर जीरा के दाम की बात करें तो? जीरा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें शायद शॉपकीपर्स का कोई रोल नहीं होता, तो थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए उसको भाई, अपने लाइफ में हम थोड़ा सा घटा देंगे खाने को, बस हम लेते हैं लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। अगर हम बात करें दाल की तो दाल के दाम ही गिरे हैं या फिर उसके अलावा भी कोई और चीज़ों में जो है? नहीं, सरसों का तेल और रिफाइंड इनका भी रेट डाउन हुआ है, कई चीज़ों का रेट घटा है, कईयों का बढ़ा है। कोई आइटम मंदी तो हो, सारे बढ़ रहे हैं, जीरा है, सारे मसाले हैं। जीरा कितने में मिल रहा अभी? जीरा 720 रुपये, जो 401 रुपये किलो था वो 700 रुपये किलो हो गया, 300 रुपये की तेजी आ गई। दालें हैं कोई मंदी नहीं है, राजमा 150 रुपये हो गया,
हरल की दाल है वो 160 रुपये किलो हो गई, जो 1 किलो लेने 2 किलो लेने वाला था आधा किलो ले रहा है वो, बहुत फर्क पड़ गया महंगाई पर। तो ग्राहकों का क्या कहना है कि आप महंगे आप बेच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट? नहीं, ग्राहक तो आगे तसल्ली करता है बाजार में, जब उसे दिखाई देगा सर सब जगह 160 बिक रही है तब वो आगे लेता है। अरे पहले तो कहते ये तुमने इतनी महंगाई कर दी, इतनी तेज कर दी, वो तो उसके तो कहने का काम है कि महंगी हो गई तो आदमी कहते ये शोर मचाते ही है। बाकी काबली चने की बात करें तो उसकी क्या दाम है? काबली पहले 100 रुपये था, 130 रुपये हो गया। तो सभी चीज़ों के दाम, सभी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। और अगर बात करें ग्राहकों की तो ग्राहक अब खरीदारी जो करते थे उनकी क्वान्टिटी काफ़ी कम कर दी, काफ़ी कम कर दी है। कुछ तो लोग बाग ऑनलाइन में चले गए और कुछ जो है तेजी के मारे आधा किलो दे दे, 250 ग्राम दे दे, ये चल रहा है खानी सारी। और चावल की अगर बात की जाए, चावल ही तेज है सारे। चावल कितने रुपए किलो मिल रहा है? पहले 70-80 रुपए था, 90-100 रुपए किलो हो गया। और मसालों की अगर बात की जाए तो मसाले पहले के कंपैरिजन में अभी महंगे हुए हैं? मसाले सारे महंगे हो गए। अभी देखो ना देगी मिर्च MDH की पहले 70-80 रुपए की आती थी, 124 रुपए की हो गई, 24-25 रुपए बढ़ गए एकदम, भाग तो शोर मचाया गई। हम अपना खर्चा क्या चला रहे हैं, हम तो भी चला रहे हैं जैसे सामान सारी चीज़ें, हरी हरी दाल पहले ऐसे 75-80 के रुपये में थी जो अब 150 रुपये किलो हो गई है। सारी दालों पर महंगाई है, चावल भी महंगे हो रहे हैं, खाने के लिए आटा भी महंगा हो रहा है। अब सब ऐसे ही बढ़ोतरी हुई है। दामों में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? कम से कम 30% की लमसम तो हो गई बढ़ोतरी। और कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी आप? मैनेज तो बस सब ऐसे ही कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अगर टमाटर की बात करें, टमाटर तो आसमानी, टमाटर तो हमने खाना ही छोड़ दिया, आसमान में गए थे तो वहाँ भी टमाटर नहीं मिले हमको, नीचे उतर के आ गए, फिर हमने टमाटर खाना ही बंद कर दिया। और दाल में छौका लगाने वाला जीरा भी अब महंगा हो गया। जीरा हो गया तुम्हारा 600 रुपये से ऊपर जा रहा है, अब जीरा की जगह सौंफ से अपना काम चला लेते हैं, क्या करें, मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, क्या करना तो पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ेगा। सब्जी महंगी है, सब कुछ महंगा है इस टाइम पे। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मैनेज क्या कर रहे हैं, जो 1 किलो ले हुए आधा आधा किलो करके गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, आपने थोड़ा कम लेना बंद कर दिया है लेकिन आप ले रहे हैं? ले रहे तो हैं, अब लेना तो पेट तो पालना ही है। और कितनी महंगाई हुई है, आपको कितना महंगा पड़ रहा? महंगाई बहुत हो गई है, इनकम सोर्स कुछ नहीं रही, छोटे धंधे बिल्कुल खत्म हो गए, नागे बराबर हो गए, ऑनलाइन की वजह से ये सारे दुकानदारों के भी काम धंधे बंद है। तो आपको क्या लगता है कि दुकान जो ऑनलाइन सामान मिल रहा है वो ज्यादा सस्ता मिल रहा है? कोई सस्ता नहीं है, माल भी तो बढ़िया नहीं है, यहाँ कम से कम छांट तो लेता, माल तो ले लेता है, वहाँ तो जो मर्जी पैक करके भेज दिया वो ठीक है। किसके किसके दाम अभी आपको बड़े लग रहे हैं? चावल सारा महंगा है, दालें भी महंगी हैं इस टाइम पे, सब तेल भी, तेल थोड़ा सा सस्ता हुआ है हल्का सा, बाकी सब चीज़ महंगी आई करी करी, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई, अदरक 300 रुपये से ऊपर जा रहा, टमाटर उससे महंगा हो रहा, आलू भी थोड़े घने महंगे हो गए, अब सारी चीज़ें तो महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन, इनकम सोर्स तो वही की वही है, वो थोड़ी बड़ी है। 80-100 रुपये हो चुकी है। और अगर सब्जी की बात करें, सब्जी में टमाटर की, टमाटर महंगा है तो कैसे मैंने तो चार गुना पहुँच गया सीधा, 30 रुपये था वो 120 रुपये किलो है। क्या करें, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम अपना जो है अपने ऐसे ही करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और अगर सब्जी की बात करें तो सब्जियां भी महंगी हैं, दालें भी महंगी हैं, तो अब थाली में क्या नज़र आता है डेली? थाली में वही आता है सब, जो क्या नाम है, रोटी और दाल बस खाली। और दाल भी महंगी हो गई अब तो? दाल भी महंगी हो, क्या करें, पेट तो भरना ही है, कुछ करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, जो खाना तो खाना ही है, ज़्यादा ना खाएंगे थोड़ा खाएंगे, एक दिन चटनी रोटी बना ली, एक दिन दाल बना ली। अभी आपने चटनी की बात की तो चटनी में धनिया टमाटर और अदरक पड़ता ही पड़ता है। टमाटर हो गए 120 रुपये किलो, और अदरक, अदरक भी 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अच्छा, तो कैसे बनानी चटनी हो फिर आप? अब कैसे करें, जो मतलब ज़्यादा थोड़ा डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे। तो क्या क्या महंगा हो गया आपको लगता है, कैसे घर का खर्चा चला रही हैं आप? बस चला ही रहे हैं बेटे जैसे तैसे घर का खर्चा। सब्जी के भी दाम बढ़े हुए हैं, दाल भी महंगी होती जा रही है, अरहर की दाल 160 रुपये हो गई है। और पहले कितने की मिलती थी? पहले 100 रुपये मिलती थी, तो अरहर की दाल टमाटर 160 रुपये हो गए हैं, पहले 20 रुपये मिलते थे, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं रह गई है। अब तो जो छोटा आदमी है वो तो बिना खाए ही, और टमाटर 15 दिन से टमाटर नहीं खाए हैं, इसी वजह से कि हो सकता है कि फिर 50 पे आ जाएं, 60 पे आ जाएं। जो भी है सैलरी मिलती है वो उतने ही रुका पड़ा है,
दो 500 रुपये भर गया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ये माइंड के सेट करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। अब जैसे इस टाइम जीरे दौड़ रहे हैं, टमाटर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना बंदा, आप पूछते हो कैसे गुजारा हो रहा है, उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पर जाना पड़ता है, मन के समझौता करना पड़ता है, और कुछ नहीं है जी। जैसा कि हम अभी मार्केट में मौजूद थे, आपने मार्केट में देखा कि जनता महंगाई की मार से काफ़ी त्रस्त है, लगातार वो उम्मीद कर रही है कि महंगाई काफ़ी कम हो। अगर बात की जाए दाल की, तो दाल की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं, मार्केट में जो दाल है वो 150-160 रुपए में मिल रही, जिसे जनता काफ़ी कम क्वांटिटी में खरीद रही है, लेकिन खरीदारी अभी भी कर रही। वहीं जो ग्राहक हैं वो लगातार परेशान हैं, और दुकानदार भी लगातार वो कह रहे हैं कि जो महंगाई की मार की वजह से जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है, सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आप CCN Live।